देखें ये लिखा हुआ ना, जब हम किसी को कहते हैं ना ये काम करो तो वो कहते हैं ये नहीं, वो मुनकर होते हैं, इसी पकड़ में आए हुए हैं। ये देखें ना दीन का लिखा हुआ ना, तो इसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए, हम कभी बीमारी में नहीं गिरेंगे। लॉकडाउन उन लोगों के लिए है जो अमीर हैं, जिनके पास पैसा है, जो घर में बैठ कर सर्वाइव कर सकते हैं 1 से 2 माह। जो गरीब बंदा है, जो मज़दूर तबका है, वो बेचारा क्या करेगा? उसके लिए तो परेशानी है, वो डेली नहीं कमाएगा तो उसके लिए तो बहुत मसला बनेगा। शॉप ओनर हूँ, ये मेरी शॉप है, रेंट की शॉप है, जो बंद है ये मेरा सारा रोज़गार इसी पे है। और मैं यहाँ किराए पे रहता हूँ, दुकान भी किराए की है, और रोज़ाना ये मार्केट ऐसे बंद होगी तो मैं इस कैसे फोल्ड करूँगा अपने अखराजात, अपनी फैमिली के, एक ही मैं कमाने वाला हूँ। वो शबाज शरीफ जो बाहर से आ गया, उसने गरीबों को तंग तो नहीं किया? इसका कंट्रोल हुकूमत का काम है ना करना, मारा वो आपका नहीं। मैं ये बताता हूँ, एक दिहाड़ी 500 रुपया मिलती है, उसके 600-700 खा लिया, वो 200 किधर से कवर करेगा? दो से तीन दिन तो समझ में आता है, अगर एक लॉन्ग टाइम के लिए हम जाते हैं, एक लंबा अरसे के लिए 15 दिन 20 दिन के लिए, तो वो गरीब बेचारे कहाँ जाएंगे?
ये दुकान भी बंद है, इसका किराया मैं कैसे दूंगा, घर का किराया कैसे दूंगा, बच्चों की फीसें कैसे दूंगा। राजा, मेरी अपील है इमरान खान साहब से और अपने आर्मी चीफ से कि इसके बारे में कुछ सोचा जाए, गरीब आवाम के बारे में कुछ सोचा जाए। एक आम छोटा मैं दुकानदार हूँ, अगर मेरी दुकान बंद होगी तो मैं अपना रोज़गार कैसे सर्वाइव करूँगा।